भीषण गर्मी से जानवर और इंसान दोनों ही परेशान हो रहे हैं। दिल्ली NCR और उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। सुबह 9 बजे से ही कड़क धूप निकल आती है, जिससे बचना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कुछ उपाय बताए हैं। गर्मी से बचने का एक सबसे आसान उपाय है कि आप भरपूर पानी पिएं। इससे शरीर गर्मी से लड़ने में सक्षम होगा। तेज धूप में निकलने से पहले एक गिलास पानी पीकर निकलें। शरीर हाइड्रेट रहेगा और पानी की कमी नहीं होगी और धूप का असर भी कम होगा। घर की बाहर और बालकनी में पशु पक्षियों के लिए भी पानी जरूर रखें। गर्मी से बचने के लिए भी खुद को कवर करके रखें। तेज धूप में सीधे निकलने से बचें। सिर को टोपी या किसी दुपट्टे से कवर करके रखें। हेडगियर का इस्तेमाल करें। अगर धूप में ज्यादा देर के लिए जा रहे हैं तो छाता लेकर जाएं। फुल स्लीव्स के सूती कपड़े पहने, इससे धूप के असर को कम किया जा सकता है। सिर्फ पानी ही काफी नहीं है, है धूप और गर्मी से बचने के लिए। इसके लिए आप घर में नमक और चीनी का घोल बनाकर रखें। इस होममेड इलेक्ट्रोलाइट से आप शरीर में पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। इससे गर्मी का असर आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। भीषण गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। तेज गर्मी में बच्चों को आउटसाइड खेलने के लिए न भेजें। 11 बजे से 4 बजे तक बच्चों और बुजुर्गों को घर पर ही रहने के लिए कहें। घर में पर्दे लगा कर रखें और हवादार जगहों पर ही बैठें। किसी को लू लग जाए तो उसे आइस पैक और ठंडे पानी से ठंडा करने की कोशिश करें। मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ठंडी जगह पर मरीज को लिटाएं और थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें।